626 वर्ष पूर्व संत कबीर साहेब स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए थे शिशु रूप में लीला करने के लिए, और कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में काशी में प्रकट हुए थे। उसी के उपलक्ष्य में हर एक वर्ष उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में 2, 3 और 4 जून 2023 को संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में भी एक बार फिर से संत कबीर परमेश्वर का प्रकट दिवस मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में आज झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में विशाल शोभा यात्रा निकाला जा रहा है और लोगों को निमंत्रण देने के लिए विशाल शोभा यहाँ से निकाला जा रहा है। अभी ये शोभा यात्रा तुरंत प्रारंभ हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे कितनी संख्या में गाड़ियाँ मौजूद है, कुछ गाड़ियाँ अभी निकल चुकी है और कुछ गाड़ियाँ अभी निकल रही है। साथ में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के काफ़ी शिष्य मौजूद हैं, जो कि रामगढ़ जिले से, हजारीबाग जिले से, बोकारो जिले से हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मौजूद हैं और हाथों में सफ़ेद झंडा लिए हुए हैं और साथ में अभी रैली के लिए तैयार हुए हैं। अभी कुछ रैली शुरुआत हो चुकी है और ये पूरे रामगढ़ जिले के साथ साथ पूरे झारखंड के वासियों को ये निमंत्रण देंगे, और जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर परमेश्वर के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो भंडारे का आयोजन किया जा रहा है 2, 3 और 4 जून का, उसका निमंत्रण लोगों को देंगे और साथ में संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से लोगों को अवगत कराएंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान बताते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। हम आपको ये तस्वीरें झारखंड के रामगढ़ जिले से दिखा रहे हैं। अभी ये रैली शुरुआत हो चुकी है और ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक की ये रैली चलेगी, ये रोड शो चलेगा। काफ़ी संख्या में गाड़ियां भी इस रैली में निकाली गई है। ये विशाल शोभा यात्रा का रैली झारखंड के रामगढ़ जिले से निकाला गया है। देख पा रहे होंगे कितनी संख्या में गाड़ियां मौजूद है और पीछे भारी संख्या में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लगातार अपनी यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो शोभा यात्रा, ये रैली क्यों निकाली जा रही है। नमस्कार सर। सच्चाई सर, क्या नाम है आप? पवन दास। सर एक बात बताइए, ये जो विशाल रैली आप लोग निकाले हुए हैं, क्या कारण? ये विशाल रैली है कबीर साहब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य मनाया जा रहा है, जो आज से 625 वर्ष पहले परमात्मा शिशु रूप में कमल के फूल पे प्रकट हुए थे, उसी उपलक्ष्य में ये प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। इसके सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज के ओर से विशाल भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। तो भंडारे का जो व्यवस्था रखा गया है सतलोक आश्रम में, सर उसका कोई शुल्क भी लिया जाए? भंडारे का व्यवस्था निःशुल्क है, दहेज मुक्त शादियाँ है जिसको रमेनी बोला जाता है, और रक्तदान शिविर है, ये सारा निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क नहीं है। जी सर, धन्यवाद। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि जो विशाल भंडारे का आयोजन सतलोक आश्रमों में किया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में ये विशाल रैली निकाली गई है, जिसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा भंडारे में, और ब्लड डोनेशन कैंप और दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया जाएगा सतलोक आश्रमों में। अभी हम और भी लोगों से रूबरू करवाएंगे, तब तक बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के एक और शिष्य हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। सर जैसा कि लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज हैं, वो दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, ये बात में कितनी सच्चाई?
जी जी संत रामपाल जी महाराज जी आज दहेज मुक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं और सदगुरुदेव जी नशा मुक्ति भारत भी बना रहे हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं उससे जो नशा करते हैं वो छूट जाता है, जो नशा करते हैं उससे क्या उनको हानि है वो पता चल जाती है, इस वजह से वो नशा करना छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़ जो दहेज लेना और देना ये दोनों कुप्रथा है, तो ये कुप्रथा के प्रति संत रामपाल जी महाराज एक मुहिम छेड़े हैं जो जिसमें हम लोगों को जो गुरुजी ज्ञान दिए हैं उसके आधार पे सारे लोग दहेज लेना स्वतः छोड़ देते हैं, इसलिए उनको पता है कि ये दहेज लेना पाप है। तो दहेज मुक्त भारत हमारा बहुत जल्द बनने वाला है। आज जो शिष्य गुरुजी के मार्गदर्शन में हैं वो एक दहेज न लेते हैं न देते हैं, इससे एकदम फ्री हैं। तो आज जो कन्याएं का भ्रूण हत्या होती है वो नहीं हो पाती है। आज बेटी बोझ नहीं है, बेटी और बेटा दोनों में कोई फर्क नहीं है, जैसा कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हम लोगों को शिक्षा दिए हैं। सर जैसे आप बताएं पहले बेटा और बेटी में फर्क किया जाता था दहेज के वजह से, आज वो फर्क नहीं है, वो फर्क नहीं होने का कारण क्या है, किसके वजह से ये चीज़ संभव हो पाया? जी जी ये सत सत ज्ञान से पता चला है। आज जो बेटी को बोझ बनाते थे ऐसा नहीं है, ये सब परमात्मा के ही जीव हैं और परमात्मा की मर्जी से जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है। तो ये हम लोग को सदग्रंथ से गुरुजी सदग्रंथ तो बहुत पहले से लिखा हुआ, आज गुरुजी पढ़ करके उसके आधार पे हम लोग को बताएं कि ऐसा नहीं है, ये सब पाप है, ये पाप कर्म नहीं करना है। तो हम लोगों ने एक प्रण लिया संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं कि न दहेज देंगे न दहेज लेंगे, इससे क्या ना ये कुप्रथा अपने आप खत्म हो जाएगी स्वतः। और धीरे धीरे सारे जगत के लोग भी अब जो आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में, कोई तकलीफ में आ रहे हैं, कोई स्वतः ज्ञान समझ के आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं और अब जब आ रहे हैं तो उनको ऑलरेडी पता चल रहा है कि जो समाज में बुराई है वो नहीं करनी चाहिए। हम लोग तो अनजाने में काफ़ी बुराई कर रहे थे, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बनने के बाद सारे लोग अब सही ज्ञान समझ करके और भक्ति कर रहे हैं, इससे क्या है कि जो बुराई है संसार में वो बुराई हम लोग त्याग रहे हैं। जी सर सत्य। तो अभी देखा आपने संत रामपाल जी महाराज के ये जो शिष्य हैं वो बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद काफ़ी लोगों ने बुराइयां त्यागा है, जो स्त्री पुरुष में जो भेद करते थे और दहेज के कारण स्त्री को प्रताड़ित किया जाता था वो चीज़ों को भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में समाप्त किया जा रहा है और ये केवल सत्य ज्ञान से तत्व ज्ञान से ही संभव हो पा रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, एक बात बताइए, अभी एक भाई साहब वो बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दहेज नहीं लेते हैं, तो आप लोगों को दहेज नहीं लेने के कारण जैसे जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो दहेज नहीं लेते, तो कितना लाभ हो रहा है आप लोगों को बेटियों को? जैसे कि देखिए दहेज के कारण बेटियों को पहले जन्म से पहले मार दिया जाता है, अभी संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियाँ करवा जिससे बेटियाँ बच रही है और बेटियों के कारण माता पिता कितना चिंता में रहते थे, दहेज के कारण वो जिंदगी भर कमाते ही और पैसे जमा करते रह जाते थे, अभी संत रामपाल जी महाराज माँ बाप उसको भी मतलब खुश कर दिया, उसे दहेज के लिए उसको चिंता नहीं करना पड़ता है और बेटियों को मारा पीटा भी नहीं जाता। अभी दहेज के कारण बेटियों को शादी के बाद भी दहेज देने के बाद भी बेटियों को घर से उसको दबाया जाता है कि दहेज के ये नहीं मिला वो नहीं मिला, और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है ना वो दहेज लेते ना देते हैं और उनकी जो शादियाँ होती है वो दहेज मुक्त होती है और वो बिल्कुल खुश रहते हैं इस दहेज ना देने के बाद भी। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप एक युवा वर्ग में अभी जा रहे हैं और आजकल के जो युवा हैं वो जब धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लग जाते हैं तो वो नशा की ओर या तमाम बुराइयों की ओर वो बढ़ने लग जाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ को लेकर के क्या बताते हैं? सत साहब भगत जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जो समाज में जो युवा हैं वो बड़े होकर नशे की ओर जाने लग रहे हैं, तो वैसे में संत रामपाल जी महाराज छोटे से ही उन्हें, जैसे कोई छोटा बच्चा उनसे नाम लिखा लेता है तो वो बड़े होते होते वे ऐसी स्थिति में ढाल देते हैं जैसे वो कभी नशा करेगा ही नहीं, जैसे आज मैं हूँ मैं नशा नहीं करूँगा, मेरे आने वाला पीढ़ी भी नशा नहीं करेगा। और संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं कि जो युवा वर्ग है वो बोलते हैं कि हम नशा नहीं करेंगे? संत रामपाल जी महाराज हमें शिक्षा देते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नशा करने से हमको मिलता ही क्या है,
जो हमारा पीढ़ी है वो भी ख़राब होगा, यहाँ तक कि पूरा समाज भी ख़राब होगा। नशा करने से वैसे भी क्या होता, कैंसर होगा, मुंह का कैंसर होगा, अनेक तरह की बीमारी होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि नशा करना ही है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें शिक्षा देते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। जी सर, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनमें भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लेकर के जागरूकता है, वो नशा त्याग पा रहे हैं और नशा क्यों नहीं करना चाहिए इस बारे में वो जान पा रहे हैं कि आखिर नशा हमारे लिए कितना हानिकारक है। हम आपको ये तस्वीरें आज झारखंड के रामगढ़ ज़िले से एसए न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे थे। और भी आगे अपडेट्स आपको एसए न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। तब तक बने रहिए एसए न्यूज़ चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।